एक दिन जेठालाल का मर्डर हो जाता है। तहकीकात करने के लिए चालू पांडे जी उसके घर आते हैं। चालू पांडे जी तहकीकात करते हैं और उनको पता चलता है कि जेठालाल का खून गोली मारने से हुआ है। चालू पांडे जी को जेठालाल के पड़ोसियों पर शक होता है, तो सबसे पहले वो पोपटलाल के घर जाते हैं और पूछताछ करते हैं। पोपटलाल बोलता है, मैं तो अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, मुझे नहीं पता जेठालाल का खून किसने किया है। फिर चालू पांडे जी भेड़े के घर जाते हैं। भेड़े बोलता है, मैं तो अचार पापड़ की डिलीवरी करने गया था, मुझे नहीं पता कि जेठालाल को गोली मार के किसने हत्या कर दी। फिर चालू पांडे जी अय्यर के घर जाते हैं, तो अय्यर बोलता है, मैं तो कल रात से ही ऑफिस में था, अभी अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता जेठालाल का खून किसने किया है। चालू पांडे जी को इन तीनों की बातें सुनकर पता चल जाता है कि खून किसने किया है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो इन तीनों में से खून किसने किया है? अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, इन तीनों में से भिड़े ने जेठालाल का खून किया है, क्योंकि भिड़े ने बोला था, मुझे नहीं पता कि जेठालाल को गोली किसने मारी, पर चालू पांडे जी ने तो बताया ही नहीं था कि जेठालाल का खून गोली मारने से हुआ है। इसका मतलब जेठालाल का खून भिड़े ने किया है। दोस्तों, क्या आपका भी आंसर यही था? अब चलते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। दोस्तों, बबीता जी के सामने तीन साधु है, लेकिन ये क्या इन तीनों साधु में से एक साधु नकली है? दोस्तों, क्या आप बता सकते हो इन तीनों में से नकली साधु कौन है? ध्यान से देखिए, सोचिए और हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, ए नंबर वाला साधु नकली है, क्योंकि उसने गले और हाथ में रुद्राक्ष नहीं पहन के रखा है। इसका मतलब वो नकली साधु है। क्या आपका भी आंसर यही था? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना।